सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार, मंडे, 8 जुलाई 2024। और सोमवार को क्या होता है? सोमवार को एक नहीं बल्कि दो इंडाइसिस की होती है एक्सपायरी। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, मिड कैप की एक्सपायरी, और साथ में बीएससी के बैंक एक्स की भी आज ही होगी एक्सपायरी। और आज हम चर्चा करेंगे ना सिर्फ डेटा पर बल्कि बैंक एक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स पर भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज शुक्रवार को क्या करके गए हैं। दोस्तों, शुक्रवार को 1651 करोड़ के नेट सेल में डीआईआईज हैं, 1651 करोड़ के नेट सेल में कैश में डीआईआईज हैं, और विदेशी संस्थागत निवेशक 1241 करोड़ रुपए के नेट बाय में, 1241 करोड़ के नेट बाय में आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज हैं। अगर पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेटा देखें, ओआई डेटा कहता है कि क्लाइंट्स जो हैं शुक्रवार वाले दिन फ्यूचर इंडेक्स को सेल करके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। डीआईआईज इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों को ही सेल करके गए हैं, एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों को बाय करके गए हैं, और प्रोज इंडेक्स फ्यूचर को सेल और स्टॉक फ्यूचर को बाय करके गए हैं। लेकिन आप लोगों को पता है मैं इससे भी ज्यादा तवज्जो कहां देता हूं, सबसे ज्यादा तवज्जो मेरी लेवल्स पर होती है और उससे थोड़ी सी कम होती है एफ एंड ओ के, एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स। FIIs का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स कहता है कि फिन निफ्टी फ्यूचर्स को FIIs सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं, FIIs निफ्टी फ्यूचर्स को भी करके गए हैं ये सेल। सिर्फ मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स ऐसे हैं जिसको आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बाय करके गए हैं। और आज आपको मालूम है निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी भी है। चलिए शुरुआत निफ्टी मिड कैप के लेवल से ही करेंगे। 12520 पर हुई थी इसकी शुक्रवार को क्लोजिंग। डेटा कहता है कि 12500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग होती है कि ऊपर इसको, उसके नीचे इसको कोशिश रहेगी कि इसके नीचे ना जाने दिया जाए। लेकिन हमारे लेवल्स क्या कहते हैं? लेवल्स कहते हैं कि 12535 जो कि शुक्रवार का हाई था उसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेगा तो वहां से एक बार को 12574 12573-74 तक का लेवल आ सकता है। 12573-74 पार हुआ तो 12603 तक के लेवल्स एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब आप कहेंगे 12600 की क्या स्थितियां हैं? ऑप्शन चेन कहती है 12600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, लेकिन डेटा बुलिश है। 12600 के आसपास भी अगर थोड़ी देर टिकने लग गए, 10 से 15 मिनट हम टिके 12600-610 के बीच में, कुछ देर भी टिक गए तो यहां से हमको 12634 आने को देखने को मिल सकता है, और 12634 टूटा तो 12654 तक के लेवल, 12650-654 तक के लेवल्स भी एक बार को अपसाइड में देखने को हो सकते हैं प्राप्त। ऑन द डाउन साइड 12480 12500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं 20 पॉइंट्स का और क्वेश्चन दूंगा कि वहां से, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको लगता है कि 12500 पे क्वेश्चन है लेकिन उसके नीचे आप 20 पॉइंट जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस खाने के लिए अगर मार्केट जाएगी तो 20 पॉइंट डाउन जा सकती है। खैर, 12480 के नीचे एक बार को सेल का सिग्नल मिल सकता है, उसके नीचे आ सकता है 12454, 12480 के नीचे 12454, 12423, 12423, 12400, 12400, 12400, और अगर वो भी टूट गया तो 12370, 12372, 12370, 372 तक के निफ्टी मिड कैप में डाउनसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। नाउ लेट अस सी बैंक एक्स। बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, मैंने सोचा कि पहले एक्सपायरी वाले ही देख लिए जाए तो बेहतर है। 60427 शुक्रवार का हाई है, उसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है, सस्टेन करे और चलना स्टार्ट करे, यहां से बाय साइड का एक सिग्नल मिलता है जो हमको 60550 के आसपास तक लेके जा सकता है। याद रखिएगा 60500 पे एक बार को कॉल राइटिंग अच्छी खासी बैठी है, तो जब तक 550 के ऊपर टिकने ना लग जाए अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 60550 के ऊपर चलना स्टार्ट करे तो 60696 यानी कि 60696 का एक लेवल आ सकता है जो कि 60696 यानी 60700 के आसपास। ऑन द डाउन साइड 59994 60000 टूटा, 6 पॉइंट नीचे और गया तो यहां से एक सेल का सिग्नल मिल सकता है जो हमको 59914 तक लेके जा सकता है डाउन साइड। अगर वो भी टूटता है तो 59776
776 तक आ सकते हैं, और अगर 59776 टूटा तो यहाँ से हमको लगभग लगभग 100 पॉइंट, वही वाली बात है, 59670 के आसपास तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं ऑन द डाउन साइड। बेस्ट सपोर्ट जो दिख रही है वो अभी 60,000 पे दिख रही है, और अगर 60,000 टूट जाता है तो आपको मैंने सारे के सारे लेवल्स बताए हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक के बाद आज बात करेंगे फिर निफ्टी की, फिर करेंगे निफ्टी की। जब हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको मालूम है कि बैंक निफ्टी में क्लोजिंग जो हुई थी शुक्रवार को, क्लोजिंग जो हुई थी वो हुई थी 52,660, 443 पॉइंट नीचे, 443 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग हुई थी, थैंक्स टू लगभग 5% गिरा हुआ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज क्या करता है, निर्भर करेगा कि बैंक निफ्टी किधर जाएगा। बैंक निफ्टी विल टुडे डिपेंड ऑन, नॉट सोलली, आई वुड नॉट से सोलली बट मेजरली ऑन एचडीएफसी बैंक्स रिएक्शंस। 5% टूटेगा तो क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है लास्ट वीक क्या हुआ, एक दिन न्यूज आ जाती है, बहुत बड़ा गैप अप करवा दिया जाता है, उसके बाद कोई ऐसा न्यूज दे देते हैं रिजल्ट का, कुछ रिजल्ट तो नहीं अपडेट दे देते हैं, उसके बाद वो 5% गिरा दिया जाता है। तो एचडीएफसी बैंक में ये सब चीजें ना, मतलब कोई बहुत अच्छा साइन नहीं देती फॉर अ ट्रेडर, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो बेचारा क्या कर रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा उसको। खैर लॉन्ग टर्म वाला तो कोई भी डिप आता है तो वहां पे बाइंग करता ही है अच्छे स्टॉक्स में, बाकी यहाँ पे मेरा कोई विचार ऐसा कोई, मतलब ये इंडेक्स के पर्पज से ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टॉक रिलेटेड वो नहीं है ये, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, 52,817 52,817 जो फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर जब तक हम नहीं टिकते हैं तब तक बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 52,817 के बाद 52,942 आ सकता है, और 52,942 अगर हमने तोड़ा तो वहां से लगभग 100-105 पॉइंट का अपसाइड का रुक दिख सकता है, जो कि हमको 53,047 तक लेके जा सकता है। अब ये याद रखिएगा 53,000 पे अभी कॉल राइटर्स हैं, लेकिन अगर 53,000 से लेकर 53,047 के आसपास थोड़ी देर टिक गया, टिकता रहा, तो 53,000 पे पुट राइटर्स आ जाएंगे, कॉल राइटर्स बैक फुट पे आ जाएंगे, उस सिनेरियो में हम लोग अपसाइड का रूप देख सकते हैं, जो कि हमको लेके जा सकता है 53,180 तक। 53,180 भी अगर पार हुआ तो 53,357 53,357-58 तक के अपसाइड पे लेवल्स मिल सकते हैं। याद रखिएगा 53,357 अब तक का ऑल टाइम हाई है। ऑन द डाउन साइड 52,470 52,660 पे क्लोज हो रहे हैं, 52,470 के नीचे अगर जाना स्टार्ट किया तो यहां से हमको एक बार को लेवल मिल सकता है 52,360 का, 52,360 52,360 भी अगर टूटा तो 52,292 52,292 भी टूट गया तो 52,170 52,170 तक का लेवल एक बार को देखने को प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे फिन निफ्टी की, जब हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो 23,641 पर क्लोजिंग है साहब, 23,719 हाई था शुक्रवार का, फिर से इसमें भी हम क्या करेंगे 23,719 के हाई को रिस्पेक्ट देंगे, फ्राइडे के हाई को, उसके ऊपर जब तक टिकता नहीं है बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,780 आ सकता है, 23,780 आ सकता है, 23,780 के बाद 23,844, 23,844, 23,918, 23,918, 23,991 और उसके बाद आ सकता है 24,046 जो कि ऑल टाइम हाई है। ये अगर सब कुछ अच्छा होगा तो क्यों नहीं, एचडीएफसी बैंक यहां पर भी मेजर रोल प्ले करता है। ऑन द डाउन साइड अगर 23,500 अभी तक 23,500 बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, 23,496 अगर टूटता है, बेसिकली 23,496 लो था फ्राइडे का, वो टूटा तो 23,396 23,396 और उसके नीचे गए तो 23,220-222 तक 23,220-22 तक के लेवल्स एक बार हमको देखने को हो सकते हैं फिन निफ्टी में प्राप्त। अब बात करेंगे बेंच मार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, दैट इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो निफ्टी 50 24,323 पर क्लोजिंग है, 24,323 पर क्लोजिंग है, 24,363 का हाई था, 24,363 का हाई था, उसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो यहां से हमको एक लेवल आता है 24,390-392 का, 24,392 के करीब का लेवल। याद रखिएगा 24,400 पे भी कॉल राइटिंग है, 24,400 पे भी कॉल राइटिंग है, 24,300 पर भी कॉल राइटर्स हैं अभी, ये नहीं कह सकता कि 24,300 पे पुट राइटिंग हो गई है, नहीं, 24,800 पे भी 24,300-24,350 सब जगह कॉल राइटर्स बैठे हैं अभी भी। लेकिन अगर हम 24,392 के ऊपर थोड़ी देर टिक गए या ये कहिए 24,400 ब्रीच कर दिया तो आपको पता है 24,401 का ऑल टाइम हाई अभी तक, वो ब्रीच कर दिया तो
फिर बहुत तेजी से हम 30-35 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, जो कि हमको 24,433-34 तक लेके जा सकता है, 24,433 तक के करीब, 24,434 तक के करीब जा सकते हैं। रिलायंस क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि शुक्रवार को क्या हुआ था, शुक्रवार को लास्ट के 15-20 मिनट आधे घंटे में क्या हुआ, रिलायंस ने अपना जोर दमखम दिखाया था। अब ये कहिए कि चाहे तो ये कहिए सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसलिए रिलायंस को दौड़ाया गया, और अब क्या देखते हैं आज क्या होता है, इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहेगा रिलायंस के ऊपर निफ्टी 50 किधर जाएगा, रिलायंस के ऊपर, क्योंकि रिलायंस जिस दिन भागता है, जब आजकल क्या हो रहा है कि HDFC बैंक मंदा है तो रिलायंस को भगा दो, मतलब मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स ढंग से हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स ढंग से की जा रही है, और फर्स्ट कौन रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही जना फंसता है, रिटेल, रिटेल को पीसा जा रहा है। ऑन द डाउन साइड दोस्तों 24,280 हम 323 पे क्लोज हो रहे हैं, यहां से ज्यादा नहीं 40-42 पॉइंट नीचे, 24,280 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो यहां से एक सेल का सिग्नल मिल जाता है जो हमको लेके जा सकता है 24,248 तक, 24,248 भी टूटा तो 24,218 24,218 और 24,218 टूटता है 24,170 24,170 तक के लेवल हमको निफ्टी 50 में देखने को हो सकते हैं प्राप्त। दोस्तों आज रात से आप लोगों को मालूम ही है कि नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, अगर अभी भी कोई आना चाहता है तो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, 10,000 रुपीज इसका फीस है, 12 डेज का ये बैच होगा जो कि जूम एप्लीकेशन पर स्टार्ट किया जाएगा 9:30 to 10:30। जो भी क्लासेस लेते हैं, जो भी क्लास में मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको नेक्स्ट डे जो है सुबह सुबह रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है, जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि कई बार कोई मिस कर देता है या फिर आगे के लिए उसको चाहिए होती है कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखना चाहे, तो इसलिए दे दी जाती है। तो जल्दी कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, हो सकता है कि 11:30-12 बजे के बाद, दोपहर के बाद हम इसको क्लोज कर दें जब सीट्स फुल हो जाए। तो आप अभी तुरंत के तुरंत 7834876736 नंबर नोट कर लीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, फिर से बोल देता हूँ 7834876736, ये डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड मैसेज दोनों जगह नंबर दे रखा है, इस पे आप फोन पे पेटीएम जीपे से पेमेंट कर सकते हैं। सेम नंबर पर अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। याद रखिएगा कि जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है, बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड माय डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना तो इस वीडियो को बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर टुडेज बैंक एक्स एंड मिड कैप एक्सपायरी।